कहा जाता है दुनिया में प्यार से खूबसूरत कोई चीज नहीं है, और अगर ये सच है तो दुनिया में लाखों लोगों के दुख की वजह आज प्यार क्यों बन गया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास से ही लोगों को सबसे ज्यादा दर्द क्यों मिलता है। अधिकतर लोगों का प्यार अधूरा क्यों रह जाता है। कितने ही लोग ये कहते हैं, जब प्यार नहीं किया था तो खुश थे जिंदगी में, जब से प्यार किया है जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। एक सच्चाई बताऊं आपको, प्यार कभी दिल नहीं तोड़ता, बल्कि जब कोई इंसान प्यार का झूठा मुखौटा पहनकर हमारे प्यार को ठग लेता है तब दिल टूट जाता है। लोग सच्चे प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मजाक नहीं सच्चा प्यार करना। सच्चे प्यार के लिए तो अपने आप को ही मिटाना पड़ता है। झूठे मतलबी और स्वार्थी लोगों के बस की बात नहीं है प्यार करना। और आजकल के जमाने में कौन मिटाएगा खुद को प्यार के लिए, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। पता है क्या, ये प्यार अगर सच्चा हो तो आपको जिंदगी की हर खुशी दे सकता है, और ये प्यार अगर झूठा हो तो आपकी जिंदगी की हर खुशी छीन भी सकता है। ये पांच बातें अगर आपको प्यार में मिल रही है तो आप समझ जाना कि आप झूठे और गलत इंसान से प्यार करते हैं। सबसे पहली बात, वो रिश्ता आपको खुशियों की बजाय दुख दे रहा है। भले आप किसी से कितना भी प्यार करो, पर आप ये बात जरूर याद रखना, जब भी जिंदगी में प्यार आता है ना तो वो खुशियां लेकर आता है, और जो रिश्ता आपकी जिंदगी में दर्द लेकर आता है, आंसू लेकर आता है, तकलीफें लेकर आता है, वो प्यार नहीं है, वो फिर कुछ और है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्यार में बहुत दर्द मिलता है। वास्तविकता में प्यार में दर्द नहीं मिलता है, या तो झूठे प्यार में दर्द मिलता है या तो विरह में दर्द मिलता है। सच्चे प्यार के विरह में जो दर्द मिलता है ना, वो दर्द भी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। वो ऐसा दर्द है जो आपको आपके मन की खुशी देता है। तभी तो सच्चा प्यार करने वाले कहते हैं, वो कहकर गए थे कि फिर आएंगे और इसी उम्मीद पर हम जिए जाएंगे। उनके इंतजार में भी एक मजा है, कर रहे थे, कर रहे हैं और किए जाएंगे। जो लोग इंतजार का, विरह का दर्द सहते हैं, उन्हें उसमें भी सुख मिलता है। लेकिन जब कोई झूठा और फरेबी इंसान प्यार का झूठा मुखौटा पहनकर हमारी जिंदगी में आता है, तब ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देता। तो जब आपकी जिंदगी में प्यार आपको खुशी नहीं बल्कि दुख दे रहा हो, आंसू दे रहा हो, तो आप समझ जाना कि आप जिसे प्यार करते हैं उसका प्यार आपके लिए सच्चा नहीं है। ये गलत फहमी निकाल दो दिमाग से कि प्यार दुख देता है। सच्चा प्यार कभी दर्द नहीं देता। प्यार के नाम पर जो फरेब किया जाता है, दर्द वो देता है। और दूसरी बात, आपको हमेशा ये डर बना रहेगा कि वो इंसान कभी भी आपको छोड़ सकता है। सच्चे प्यार में यह एहसास बना रहता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उस इंसान ने अपने दिल में, अपने मन में, अपनी अंतर आत्मा में आपको बसा लिया है। और जब कोई इंसान आपको अपनी अंतर आत्मा में बसा लेता है ना, तो उसका एहसास आपको हो जाता है कि ये इंसान आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। और अगर किसी इंसान के साथ आपको ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये मेरा साथ तो नहीं छोड़ देगा, कहीं ये मुझे बीच राह में तो नहीं छोड़ देगा, कहीं ये मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देगा, धोखा तो नहीं देगा, तो विश्वास रखना, वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। क्योंकि जहां प्यार है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास ही नहीं वहां प्यार कैसा। अगर किसी के साथ आपको ये लगता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, तो इसका मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करता है। और अगर किसी के साथ आपको ये लगता है कि वो आपका साथ पता नहीं कब छोड़ दे, तो इसका मतलब उसका आपसे सच्चाई और समर्पण वाला प्यार नहीं है। और तीसरी बात, आप उसके साथ खुद को कभी स्पेशल फील नहीं करोगे। यही एक निशानी है जिससे पता चलता है कि कोई इंसान आपसे कितना प्यार करता है, आप किसी इंसान की जिंदगी में कितनी वैल्यू रखते हैं।
प्यार करने का यही तो मतलब है कि किसी इंसान को ये महसूस कराना कि वो हमारी जिंदगी में कितना खास है, कितना स्पेशल है। वो इंसान हमारी जिंदगी में सब कुछ है और सबसे बढ़कर है। लेकिन जब आपको किसी के साथ ये एहसास ना हो कि आप उसके सब कुछ हैं, आप उसकी जिंदगी में सबसे आगे हैं, सबसे स्पेशल हैं, अगर वो आपके लिए आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करता जिससे आपको स्पेशल फील हो, तो इसका मतलब ये साफ है कि वो इंसान आपसे सच्चा वाला प्यार नहीं करता है। चौथी बात, वो इंसान आपसे झूठ बोलेगा। आपके साथ सच्चा कभी नहीं हो सकता। प्यार का मतलब ही होता है सच्चाई, लेकिन इस कलयुग में सच्चा और झूठा प्यार भी होता है। और देखा जाए तो सच्चे से ज़्यादा झूठा प्यार करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आप याद रखना, जो इंसान आपसे अक्सर झूठ बोलता है, आपके साथ सच्चा नहीं है, तो विश्वास रखना इस बात का, वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। जिसके शब्दों में आपके लिए सच्चाई नहीं है, तो उसके दिल में आपके लिए सच्चाई कभी नहीं हो सकती। और पांचवी बात, जिसकी वजह से आजकल कितने ही लोग परेशान और दुखी होते रहते हैं, वो बात यह है, जो आपसे झूठा प्यार करेगा, आप उसका समय और प्यार पाने के लिए हमेशा तरसते रहेंगे। सच्चा प्यार करने वाला तो आप पे अपना बेशुमार और बेशर्त प्यार लुटा देगा। अपना ज्यादा से ज्यादा समय वो आपके साथ गुजारना चाहेगा। आप उसे कहो या ना कहो, वो अपने आप पे प्यार की बारिश कर देगा। लेकिन जो लोग झूठा प्यार करते हैं ना, आपको उनका प्यार पाने के लिए तो क्या, आपको उनका समय पाने के लिए भी उनसे लड़ना पड़ता है, उनके आगे रोना पड़ता है, उनसे भीख मांगनी पड़ती है। अरे आप खुद सोच कर देखो, जो इंसान आपको समय नहीं देता, वो प्यार क्या खाक देगा आपको? क्योंकि जो इंसान झूठा प्यार करता है, उसे आपसे नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। आप भी उसके किसी न किसी मतलब के लिए उसकी जिंदगी में होते हैं, प्यार के लिए नहीं। तो आप अपने रिश्तों को जांच करके देखिए, चेक करके देखिए कि आपके रिश्ते में कौन सी पांच बातें हैं, सच्चे प्यार वाली या झूठे प्यार वाली। अगर आपके रिश्ते में सच्चे प्यार वाली बातें हैं, तो आप उस प्यार में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सच्चा प्यार आपकी जिंदगी में हजार खुशियां लेकर आएगा, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। लेकिन अगर आपके प्यार में ये झूठे प्यार की पांच निशानियां हैं, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो सिवाय दर्द और आंसुओं के आपको कुछ नहीं मिलेगा।